सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनमें से हमको बताना है कि कौन सी ट्रू हैं। तो पहला है, दे आर ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये आसानी से दिखते नहीं हैं, क्योंकि एक स्टेन यूज़ किया जाता है, उसका नाम होता है जेनस ग्रीन बी, उसकी मदद से ही विजिबल होगा अगर हम माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। तो ए जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, देयर नंबर पर सेल रिमेंस द सेम। तो ऐसा नहीं होता, अगर कोई सेल ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, अगर कोई सेल कम एक्टिविटी करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। तो ये सेल से सेल में डिपेंड करेगा। तो जो सी स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, एबिलिटी टू डिवाइड बाय फिजन, तो ये सही है। नेक्स्ट है, दे पोजेस अ सिंगल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, तो जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, तो ई भी गलत है। नेक्स्ट है एफ, दे हैव मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स इन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। तो स्टेटमेंट बी, डी और एफ, तीन स्टेटमेंट हमारे पास सही हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, अरेंज द डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल ए बी एंड सी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। पहले दे रखा है, दिस लेयर इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिमिनिशेस ग्रेजुअली एज द सेल मैच्योर्स। तो ये होगी प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट है, फॉर्म्ड टूवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल वॉल, ये होती है सेकेंडरी सेल वॉल। नेक्स्ट है सी, दिस लेयर होल्ड्स एंड ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, तो ये होगी मिडिल लैमेला। तो सबसे बाहर की तरफ मिडिल लैमेला प्रेजेंट होगी, फिर प्राइमरी सेल वॉल और अंदर की तरफ होगी जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, दैट इज सी, ए बी ऑर्डर प्रेजेंट है इसका। नेक्स्ट है, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये सही है, क्योंकि न्यूक्लियोलस की कोई बाउंड्री नहीं होती है, अगर बाउंड्री नहीं है तो उसका कॉन्टेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोलस इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला दे रखा है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट, तो ये गलत है क्योंकि दोनों ए और बी सही दे रखे हैं। सेकेंड है, स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज़ इनकरेक्ट, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये सही है, आंसर हो जाएगा इसका थ्री। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, तो पहला दे रखा है कमाइलो गोल्गी, इन्होंने गोल्जाई बॉडीज डिस्कवर की, और न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, और क्रोमेटिन फ्लेमिंग ने, और माइटोकॉन्ड्रिया का बता रखा है जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया, लेकिन जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम्स डिस्कवर किए थे। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है, नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स, तो ये सही है। नेक्स्ट है, फिम्ब्राई आर नोन टू हेल्प इन अटैचिंग द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज़, तो ये दोनों ऑप्शन जो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही हैं। तो आंसर होगा इसका सी, दैट इज़ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक। तो पहला दे रखा है, ए रेफर्स टू द चेन ऑफ राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA, तो इसको बोलेंगे हम पॉलीजोम। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया हैज़ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड, तो इसको बोला जाता है क्रोमेटोफोर, और उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, सी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल दैट हेल्प इन अटैचमेंट, तो ये फिम्ब्राई होते हैं। नेक्स्ट है, द नेम्स ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स और स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो,
हाउ मैनी ऑफ द अबव आर प्रेजेंट इन बोथ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स? तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होंगे, एनिमल में भी और प्लांट में भी। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में, राइबोसोम्स दोनों में, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल्स में, माइक्रोबॉडीज दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड होंगे प्लांट्स में और एंडोप्लाज्मिक भी दोनों में। तो चार हो गई ये, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज और ER। तो आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो बेसल बॉडी बता रखा है, इट इज़ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज़ ऑफ 9+0 माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट का है B या फिर E, दोनों है इनमें। नेक्स्ट है सेकेंड एक्सोनेम, तो ये होता है 9+2 अरेंजमेंट का और ये फ्लैजेलम और सीलिया का कोर होता है। तो सेकेंड का A और C। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, सो इट इज़ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो आंसर इसका C करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज। सो इट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट हैज़ वेरियस ऑर्गेनेलीज टू एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, इट कैन परफॉर्म द असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो ये तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4th। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद द रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से आएंगे? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम और वैक्यूल्स। तो पहला ऑप्शन दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये होगा गोल्जी बॉडी से। नेक्स्ट है इंट्रा सेलुलर एंड इंटर सेलुलर डाइजेशन, ये भी पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक्टिविटी का। नेक्स्ट है एक्टिव RNA सिंथेसिस, तो ये तो न्यूक्लियस में होगा, न्यूक्लियोलस करता है ये, तो और वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट भी देख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं और ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो ओवरऑल इसका आंसर आए 3rd। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला है सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस हैव लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई अलॉन्ग विद RER, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है एनिमल सेल्स डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन प्रोसेसिंग इन पोजेसिंग अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो एनिमल सेल के पास सेंट्रल इतना बड़ा वैक्यूल नहीं होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट्स में होता है ये। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स आर रिजर्वॉयर्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, दिस इज़ ट्रू। एंड क्रोमेटिन कंटेन DNA एंड हिस्टोन, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1st। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग एडवांस द सेल थ्योरी विद हिज कंक्लूजन दैट न्यू सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये रुडोल्फ वर्ग्यो ने बताया था हमको, द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज डिड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल स्टडीज इन, सो इट वॉज ह्यूमन RBC। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ, सो इट इज ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन अ बायलेयर। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गिवन बाई सिंजर एंड निकोलसन, और इसका नाम क्या था मॉडल का? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो आंसर जो बी है मतलब सेकंड, ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे बड़ा होगा ऑस्ट्रिच एग, फिर ह्यूमन RBC, देन बैक्टीरिया और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। तो आंसर हो जाएगा इसका 4th। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट मैच। तो पहला दे रखा है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तो इसमें बिल्कुल बीच में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है और इक्वल आर्म्स होते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है अनइक्वल आर्म, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमेयर इज क्लोज टू इट्स एंड, क्लोज नहीं होता, बिल्कुल ही टर्मिनल पे होता है। एक्रोसेंट्रिक में क्लोज होना चाहिए था, तो ये 1st, 2nd, 3rd ये गलत हो जाएंगे। और जो 4th है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें बता रखा है सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम दी
मिडिल, तो ये सही है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिड्स इज इनकरेक्ट। तो पहला दे रखा है, प्लास्टिड्स आर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड इन यूक्लिनॉइड्स, तो ये सही है। नेक्स्ट है, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन, ओके, विद द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बीइंग मोर परमिएबल, तो जो अंदर की लेयर होती है वो लेस परमिएबल होगी और जो बाहर की होती है लेयर वो मोर परमिएबल होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, एक्सोनिम ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला यूजुअली हैज़, तो इसमें 9+2 अरेंजमेंट देखा जाता है। नेक्स्ट है, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला दे रखा है, साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल ओनली इन यूकैरियोट्स, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, इट इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, तो ए गलत है और बी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट इज़ थर्ड आंसर इसका। नेक्स्ट है, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक, तो पहला दे रखा है, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस एंड एंडोसाइटोसिस, तो ये सारे फ्लूइड नेचर को बताते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, क्योंकि ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग प्लाज्मोडेस्माटा, इसमें बता रखा है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन चाहिए और काइनेटिक कोर्स जो होते हैं वो डिस्क शेप होते हैं और सेंट्रोमेयर पे प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म आर इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स और कैप्सूल जो होते हैं वो थिक और टफ ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस इज, तो न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। नेक्स्ट है, ऑन अ क्रोमोसोम साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज, सो इट इज़ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। नेक्स्ट है, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियलाई आर प्रेजेंट इन सेल विच आर एक्टिवली कैरिड आउट, तो न्यूक्लियोलाई मतलब वो क्या बनाएंगे, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ होंगे ये, तो आंसर क्या होगा इसका, प्रोटीन सिंथेसिस जो एक्टिव सेल्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियलाई ज़्यादा होगा और उसका साइज़ भी बड़ा होगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू फ्रॉम द गिवन बिलो, पहला दे रखा है, पॉलीजोम्स इज़ अ चेन बाई ऑफ मैनी राइबोसोम्स ऑन अ कॉमन mRNA, ये पहला सही है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव, नेक्स्ट है, राइबोसोम्स आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, नेक्स्ट है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, तो आंसर इसमें देखिए तीन सही हैं एक गलत है। नेक्स्ट है, विच वन इज ऑड विद रिस्पेक्ट टू बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इन यूकैरियोट्स, तो पहला दे रखा है, दे कंट्रोल मूवमेंट, तो सही बात है क्योंकि सीलिया और फ्लैजेला मूवमेंट के लिए ही काम आते हैं। नेक्स्ट है, इट हैज़ 9+0 अरेंजमेंट, ये भी सही है, और इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेंट्रियोल, ओके, दिस इज़ ऑल्सो राइट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैजेलिन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, तो यूकैरियोट्स में नहीं होता है ऐसा, ये प्रोकैरियोट्स की बात अगर करते हैं यहाँ पर तो सही हो जाता। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग, तो पहला दे रखा है, रुडोल्फ बर्ग्यू, इन्होंने बताया था ओमनी सेलुला ए सेलुला, हमें मिसमैच बताना है इसमें। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। नेक्स्ट है, लिवेनहुक, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट है, शवान एंड शिल्डन, दे मॉडिफाइड एंड गिव द फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, तो ये इन्होंने नहीं बताया, ये तो रुडोल्फ बर्ग्यू ने बताया था, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, अ स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस इज कॉल्ड, तो ये मीजोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल एनवेलप विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन सेल एडेशन इज, सो ये दीज आर ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट है, एनिमल सेल्स आर प्रेजेंट आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल इन प्रेजेंस ऑफ, तो देखिए हमें ये ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें
जो कि सिर्फ एनिमल सेल में हो, प्लांट सेल में ना हो। तो पहला दे रखा है सेल वॉल, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में होगी ये तो। और सेकंड दे रखा है सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। और राइबोसोम्स दोनों में होंगे और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में। तो आंसर इसका क्या होगा, सेकंड, जो कि सेंट्रियोल है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, तो पहला दे रखा है माइकोप्लाज्मा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, ये सही है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल, इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ओके दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, इट इज़ कंपोजिशन सिमिलर इन ऑल बैक्टीरिया, तो सभी में एक जैसा कंपोजिशन नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज़, तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या करेंगे, कुछ स्टोर करेंगे, तो लाइक ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो आंसर क्या होगा इसका, सी, जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोकैलिक्स, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर विच कन्फर्स सर्टेन यूनिक फेनोटिपिक स्ट्रक्चर्स और कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया बट इज़ नॉट वाइटल फॉर सर्वाइवल, सो ये होते हैं प्लाज्मिड्स, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होते हैं। अगला है मैच द फॉलोइंग, सो मिडिल लैमेला, इट जॉइंटली सीक्रेटेड बाई डॉटर सेल्स। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट करता है। और प्लाज्मोडेस्माटा, कनेक्शंस होते हैं नेबरिंग सेल्स के बीच में ताकि उनका साइटोप्लाज्म कनेक्ट रहे। नेक्स्ट है प्लाज्मिड, सो इट इज़ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड। नेक्स्ट है ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट, तो हमें इसमें देखना है कौन सा गलत है। पहला दे रखा है लिपिड कॉम्पोनेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, तो ये सही है। नेक्स्ट है ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, मतलब ह्यूमन आरबीसी में 40% लिपिड है और 52% प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्रोटीन एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड विद इन ओवरऑल बायलेयर, तो लिपिड्स का मूवमेंट नहीं होता है, वो प्रोटीन्स का मूवमेंट होता है, और क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है वो लिपिड का होगा, तो आंसर इसका सी है। नेक्स्ट है करेक्ट मैच बताना है इसमें हमको, पहला दे रखा है राइबोसोम्स, सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, तो डीएनए से नहीं बनता ये, आरएनए से बनेगा, आरएनए एंड प्रोटीन, तो ये गलत है। नेक्स्ट है गोल्जी अपैरेटस, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी, सॉरी ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइको प्रोटीन्स, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू एस ई आर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमसे पूछ रखा है इसने, सो इट इज़ मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स की सिंथेसिस होती है यहाँ पर। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़रूरत होती है, तो जो सी है मतलब थर्ड ऑप्शन है ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड है विद रिस्पेक्ट टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो पहला स्टेटमेंट है हेल्प इन सेल टू सेल इंटरैक्शन। नेक्स्ट है गिव शेप टू दिस सेल, ये भी सही है। नेक्स्ट है सेलेक्टिवली परमिएबल टू सर्टेन सब्सटेंसेस, तो सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होता, ये सभी को, सारे सब्सटेंसेस जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं सबको आने देता है, फ्रीली परमिएबल है मतलब, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहला दे रखा है ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन सेल्स हैव क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, तो ये सही है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन कंटेन डीएनए बेसिक प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए, तो ये भी सही है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, दैट इज़ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला है मिसमैच बताना इसमें, माइक्रोबॉडीज, ओके नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। नेक्स्ट है सोमैटिक पेयरिंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सो इट इज़ ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है मिसमैच बताना है हमको इसमें, पहला दे रखा है काइनेटोकोर्स डिस्क शेप होते हैं, स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रोमेयर।
नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस, सो इट इज़ स्फेरिकल बॉडीज़ इन न्यूक्लियर मैट्रिक्स, तो ये भी सही है. नेक्स्ट है मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम, इट इज़ अ हेट्रोब्रैकियल, तो ये गलत है क्योंकि मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स जो होते हैं वो इक्वल होंगे. नेक्स्ट है सेकेंडरी लाइसोसोम्स कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस आर कॉल्ड, तो इनको बोलते हैं हम रेसिडुअल बॉडीज़. नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ द फीचर्स गिवन इन द बॉक्स आर एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट इज़ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए, 70S राइबोसोम्स, एरोबिक रेस्पिरेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, कार्बन एसिमिलेशन. तो देखिए पहला सही है, आरएनए सही है, 70S राइबोसोम सही है और एरोबिक रेस्पिरेशन सही है, तो कितने हो गए, 4 सही. नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच इज़ गिवन बिलो, तो पहला दे रखा है पार्ट डी. पार्ट डी क्या है, स्ट्रोमल लैमेला, इट लैक्स एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, तो ये सही है. नेक्स्ट है रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है हमको इसमें. पहला दे रखा है द प्राइमरी वॉल डिमिनिशेज एज द सेल मैच्योर्स, ये सही है. नेक्स्ट है मिडिल लैमेला इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, तो ये भी सही है. नेक्स्ट है द मिडिल लैमेला ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल, तो ये गलत है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो पहला दे रखा है रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट है प्रोटीन शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बट लिपिड्स कैन नॉट, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड. नेक्स्ट है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड द डिलीवरी आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल इज प्रिंसिपली परफॉर्म्ड बाय, सो इट इज़ गोल्जी अपैरेटस. नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट विच इंक्लूड्स, तो 40S और 60S होगा. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, माइक्रोफिलामेंट, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया. नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल्स. एंड लास्ट इज लाइसोसोम्स, सो इट इज़ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसमें इन्वॉल्व हो गई, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड. नेक्स्ट है डिक्टियोसोम इज, तो जो गोल्जी बॉडी होती है अगर वही प्लांट्स में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम, तो इट इज़ नॉन कनेक्टेड सिस्टर्ने इन प्लांट्स. नेक्स्ट है अ क्रोमोसोम विद सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग इज कॉल्ड, तो ये होगा एक्रोसेंट्रिक. टीलोसेंट्रिक से इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना क्योंकि टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेयर, आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड. नेक्स्ट है न्यूक्लियर पोर अलाउज, तो न्यूक्लियर पोर आरएनए और प्रोटीन्स का मूवमेंट अलाउ करता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबॉडीज हेल्प टू सीक्रेट हाइड्रोलिटिक एंजाइम ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, सो दीज आर स्फेरोसोम्स. नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, पहले दे रखा है पॉलीसोम, इट इज़ एमआरएनए टू प्रोटीन, ये सही है. सेक्स पिलाई, सो इट हेल्प इन कॉन्जुगेशन. नेक्स्ट है सेंट्रियोल, इट हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन. नेक्स्ट दे रखा है फिम्बराई, सो इट इज़ इट हेल्प इन लोकोमोशन, तो लोकोमोशन में नहीं कि अटैचमेंट में काम आते हैं ये, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ. बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया शो सिमिलैरिटी इन प्रेजेंस ऑफ, तो इन दोनों में 70S राइबोसोम्स होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड. नेक्स्ट है एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट एंड एल्यूप्लास्ट, दीज आर क्लोरोप्लास्ट के पार्ट, तो आंसर क्या होगा इसका, दीज आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है गोल्जी अपैरेटस, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. नेक्स्ट है लाइसोसोम, इट इज़ अ डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल. नेक्स्ट है वैक्यूल्स, दे ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. नेक्स्ट है राइबोसोम्स,
दीज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो आंसर क्या होगा इसका, सेकेंड करेक्ट. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन द हाइएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल्स. तो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स हाई नंबर में पाए जाएंगे. नेक्स्ट है, द नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस. तो जो न्यूक्लियोलस होते हैं वहाँ पर, तो वो आरएनए जो होगा उसकी एक्टिव सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा. नेक्स्ट है, शॉर्ट एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड टू. तो शॉर्टर होगा उसको पी आर्म बोलते हैं, और जो लंबी वाली आर्म होती है लॉन्गर आर्म उसको क्यू आर्म बोलेंगे. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. पहला दे रखा है, लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. सो दिस इज करेक्ट. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर अंडर एसिडिक पीएच. नेक्स्ट है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. अगला दे रखा है, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो फोर्थ जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब आंसर ये इनकरेक्ट है. तो आंसर क्या हुआ इसका, फोर्थ. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए. तो माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम दे रखा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है. क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल, तो क्लोरोप्लास्ट में भी होगा. नेक्स्ट है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल इन दोनों में नहीं होता. नेक्स्ट है, न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया इनमें भी होगा. तो आंसर क्या हो गया इसका, थर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट. पहला दे रखा है, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन. तो ये सही है. नेक्स्ट है, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन. तो ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे. तो आंसर होगा इसका, सेकेंड. नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ए सेलुला रिगार्डिंग सेल डिविजन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई. तो ये रुडोल्फ वर्क्यू ने बताया था. नेक्स्ट है, हाउ मैनी राइबोसोम्स मे एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली. सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम आर टर्म्ड एज. तो इसको हम बोलते हैं पॉलीजोम. नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट. तो पहला दे रखा है सैक्रोमाइसिस, ये होती है यीस्ट, और ये फंजाई में इंक्लूडेड है. और फंजाई क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं. तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट. नेक्स्ट है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन. सो इट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेसिकल्स. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस. तो पहला दे रखा है, लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स. नेक्स्ट है, इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. अगला दे रखा है, इट इज़ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ATP. तो ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल. तो ग्लाइकोकैलिक स्टिकी कैरेक्टर देते हैं. तो आंसर हो जाएगा इसका, फोर्थ. अगले हम बताना है हमको मिसमैच. पहला है गैस वैक्यूल, इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रीन बैक्टीरिया, ये सही है. नेक्स्ट है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल. तो एनिमल सेल की जगह यहाँ पर प्लांट सेल आना चाहिए था. तो जो सेकंड है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, अ सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज. तो लाइसोसोम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कंटेन करके रखते हैं. नेक्स्ट है, वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर. सो दीज आर एंथोसियानिन्स. नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रोमोसोम आर. तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली होते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का DNA प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है, फाउंड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनलीज एंड दे कंटेन DNA बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. अब देखिए, इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी प्रेजेंट होती है. तो ए सही है और बी गलत बता रखा है हमको इसमें. तो आंसर हो जाएगा इसका, फोर्थ. दैट इज़ ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स. नेक्स्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ. तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल एंड सीलिया इन सब में होते हैं. तो आंसर होगा इसका, थर्ड.
नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन? सो न्यूक्लियाई, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास तो डबल मेम्ब्रेन होगी लेकिन लाइसोसोम्स के पास सिंगल, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम और मिजोसोम, ये तीनों प्रेजेंट होंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम तो दोनों में ही होते हैं, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी, पर जो न्यूक्लियर एनवलप है न्यूक्लियोलस की जो कवरिंग है बाउंड्री है वो प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? सो मीजोसोम, वैक्यूल एंड जो लाइसोसोम्स हैं ये तो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, लेकिन जो जैसे ये है ना मीजोसोम्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ये खुद ही एक मेम्ब्रेन होती है, जो सेल वॉल होती है वही उसी की फोल्डिंग्स होती है, और जो राइबोसोम्स है उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती, कोई भी उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन्स आर? तो पहला दे रखा है लाइसोसोम, गॉल्जी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब में जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, और देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनमें राइबोसोम दे रखे हैं और राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन? सो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल? जिस सेल के पास मतलब एक सेल है वो सेल वॉल के बिना है तो उसको हम बोल देते हैं प्रोटोप्लास्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन? सो इनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और पिगमेंट्स कहाँ काम आते हैं, फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक और होस्ट टिश्यूज आर? तो फिम्ब्राई स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग? ओके, जो थाइलाकॉइड है ये फ्लैट मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए का थर्ड। नेक्स्ट है, क्रिस्टी, दीज आर इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, बी का होगा फोर्थ। सी का है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, दीज आर डिस्क शेप सैक्स इन गॉल्जी अपैरेटस, सी का होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, डी का सेकंड, दैट इज क्रोमेटिन का कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, बाल्बियानी रिंग्स आर साइट ऑफ? तो ये आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है यहाँ पर। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर एनवलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ? सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, तो जो न्यूक्लियर एनवलप है न्यूक्लियस की कवरिंग वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही डिराइव हुई है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन? सो एनाबीना में नहीं होता। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर? अगर बहुत सारे थाइलाकॉइड्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये ग्रैना फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट है, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन? सो राइबोसोम्स में डीएनए नहीं होगा लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस इनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, करेक्ट मैचिंग बतानी हमें इसमें, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ये गलत है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रखा है फॉस्फोलिपिड की ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस ऑफ लिपिड या फिर स्टेरॉइड्स भी हो सकता था, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? सो दीज आर पॉलीजोम्स। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, मतलब बिल्कुल टर्मिनल पे नहीं है, टर्मिनल के पास है बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया? सो दीज आर मीजोसोम्स। नेक्स्ट है, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज? सो दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स। नेक्स्ट है, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय? सो दीज आर वैक्यूल्स।
अगले में मैच द फॉलोइंग करना है। तो पहला दे रखा है सेंट्रियोल, सो दीज आर बेसल बॉडी और सीलिया और फ्लैजेला। नेक्स्ट है क्लोरोफिल, इट इज़ प्रेजेंट इन थायलाकॉइड्स। क्रिस्टा इज इन फ्लॉन्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स आर न्यूक्लिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इन द फिगर करेंटली मैचेस इट्स फंक्शन। तो ये स्ट्रक्चर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज इट्स फंक्शन। नेक्स्ट है द गॉल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स का मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट इज इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट है द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, सो इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, तो नॉस्टॉक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लैमाइडोमोनास, मतलब कि प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में कौन सी चीज़ ऐसी सिमिलर होती है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में एक जैसी होती है, डिफर नहीं करती। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला दे रखा है लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाई लेयर विद पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट। तो अंदर की तरफ तो जो टेल होती है वो होती है यहाँ पर और हेड होता है बाहर की तरफ, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लूइड मोजैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज बाय सिंजर एंड निकोलसन, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉट इज़ ट्रू अबाउट राइबोसोम्स। तो पहला दे रखा है दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोट, तो सिर्फ यूकैरियोट में नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। नेक्स्ट है दीज आर सेल्फ स्लाइसिंग इंट्रॉन ऑफ सम आरएनएस, ये भी गलत है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s, लेकिन ये तो 70s होते हैं प्रोकैरियोटिक वाले। वेयर एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, ये सही है कि एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशियंट होता है। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब आरएनए और प्रोटीन्स, तो ये सही होगा, आंसर फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज इन, तो ये न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली, मतलब एक ऑर्गन है उसके अंदर ही एक ऑर्गेनली दूसरी प्रेजेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट दैट इज़ राइबोसोम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज़ करेक्टली डिस्क्राइब्ड, तो पहला दे रखा है थायलाकॉइड्स, तो दीज आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेनिया ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, तो दीज आर परफॉर्म्ड बाय गॉल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट है पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन, तो ये राइबोसोम्स में होंगे। नेक्स्ट है इन यू बैक्टीरिया अ कॉम्पोनेंट अ सेलुलर कॉम्पोनेंट दैट रिजेंबल्स यू कैरियोटिक सेल इज, सो इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं गॉल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और वैक्यूल, और पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो नहीं आते, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है एक फिगर दे रखा है उसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दे रखा है पार्ट सी इज क्रिस्टा एंड पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, तो ये गलत है। नेक्स्ट है पार्ट ए, पार्ट ए क्या बता रखा है इसमें मैट्रिक्स, इट इज़ मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है पार्ट डी, पार्ट डी बता रखा है आउटर मेम्ब्रेन, इट गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, ये भी गलत है। नेक्स्ट है पार्ट बी, पार्ट बी बता रखा है इनर मेम्ब्रेन और इसकी फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टा, तो ये सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ सेल इज, सो इट इज़ साइटोप्लाज्म।
नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली सो प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन फॉस्फोबायोलिपिड लेयर. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन डीएनए. तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं सिर्फ, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू. पहला दे रखा है सेंट्रोमेयर इज फाउंड इन सेल मतलब एनिमल सेल विच प्रोड्यूसेस एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट है द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल. तो ये बात सही है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड. नेक्स्ट है एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप इज कॉल्ड. तो इसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन. नेक्स्ट है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ सो दीज आर प्रोटीन्स एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बायलेयर. नेक्स्ट है एक स्ट्रक्चर दे रखा है उसके बारे में हमें बताना है. ओके देन करेक्ट कॉम्पोनेंट्स आर. ओके तो पहला दे रखा है ए. ए क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बी है, बी कहाँ पर है? ओके ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो सी पार्ट दे रखा है, सी है न्यूक्लियस. और जो डी है, डी दीज आर साइटोप्लाज्म. तो आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट. नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा आर. तो दीज आर कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स. दो सेल्स होते हैं उनके बीच में कनेक्शन होता है ताकि दोनों के साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो सकें. तो आंसर हो जाएगा इसका सी. नेक्स्ट है मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ सो इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट भी हो सकता था इधर. नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ सो इट इज़ प्रोटीनेशियस फिलामेंट. नेक्स्ट है वैक्यूल इन अ प्लांट सेल सो इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस. नेक्स्ट है पॉलीजोम इज फॉर्म्ड बाय सो दीज आर बहुत सारे जो राइबोसोम्स है वो सिंगल मैसेंजर आरएनए पे जुड़ जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉलीजोम. तो आंसर सी हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट. दैट इज सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए. नेक्स्ट है कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विद प्रोटीन फ्रॉम वन लिपिड मोनोलेयर टू द अदर. तो जो लिपिड्स होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर लेते हैं कभी कभी, पर जो प्रोटीन होते हैं वो कभी नहीं करते. तो आंसर हो जाएगा इसका सी. दैट इज़ व्हाइल लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप बट प्रोटीन्स कैन नॉट. नेक्स्ट है इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन. तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइऑक्सीजोम्स. नेक्स्ट है द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ. तो राइबोसोमल की सब यूनिट्स को अटैच कौन करता है? मैग्नीशियम एलिमेंट. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड कोलेस्ट्रॉल ये सब सेल मेम्ब्रेन में होते हैं लेकिन जो प्रोलीन है वो प्रेजेंट नहीं होती. तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ. अब देख रखा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट बता रहे हैं आपको. पहला है क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये बात सही है, क्लोरोप्लास्ट का साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन. मतलब इसमें दो लेयर प्रेजेंट होती है, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड. तो ये सही हो जाएगा. नेक्स्ट है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ इंटरनल कंपार्टमेंट द थायलाकोइड स्पेस बाउंडेड बाय थायलाकोइड मेम्ब्रेन. तो दोनों में नहीं होता, ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट ट्रू. तो पहला दे रखा है आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल. ये बात सही होती है. नेक्स्ट है द एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन. तो आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होगा, ये इनर मेम्ब्रेन में होता है. तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट. मतलब हमें बताना है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है.
पहला दे रखा है द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, तो ये ग्रेना में प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट दे रखा है प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल अकर्स, तो पहला दे रखा है ओनली ऑन द राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोसोल। नेक्स्ट है ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, तो दोनों में होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंगली टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड वेयर लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स कैन डिफ्यूज रैंडमली। इन रिसेंट ईयर्स दिस मॉडल हैज़ बीन मॉडिफाइड इन सेवरल रेस्पेक्ट, इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इसमें देखिए हमने अभी देखा था जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर सकती और जो लिपिड हैं वो कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाय लेयर, तो ये सही है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड विद सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड बाय लेयर, तो प्रोटीन्स का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कभी नहीं होता, सिर्फ लिपिड का होता है रेयर केस में। नेक्स्ट है द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज फॉर, सो इट इज़ अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है वाई इज़ अ कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरियम, क्योंकि ये क्या करता है बैक्टीरिया को हाइड करने में मदद करता है फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक देखना है मतलब बैक्टीरिया है, जो ई कोलाई है एस्कर्शिया कोलाई ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया कहाँ आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला पोजेस, सो दिस हैव हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, सो इट इज मीजोसोम्स। नेक्स्ट है इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इज, तो ये सर्कुलर डीएनए होता है और इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है एल्गी हैज़ सेल वॉल मेड अप ऑफ, तो एल्गी की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है सेलुलोज गैलेक्टन्स एंड मैनन्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एफिशियंट ट्रांसपोर्ट पाथवे, दो सेल्स हैं उनके बीच में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रेजेंट होता है और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, तो उसी से ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है, उन्हीं का ट्रांसपोर्ट हो जाता है वहाँ से, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज RER इन द सेल्स आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, तो जो सरफेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उसके ऊपर अगर राइबोसोम्स आ जाए तो वो जो सरफेस है वो रफ हो जाएगा, अगर जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है उनका सरफेस स्मूथ होगा और उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका आंसर है सेकेंड दैट इज़ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइटोक्रोम P450 इज़ रॉन्ग, ओके सो इट इज़ कलर्ड सेल, तो ये गलत है। नेक्स्ट दे रखा है इट इज़ एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, इट कंटेन्स आयन, तो ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये सही है और फर्स्ट गलत है, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है द गोल्जी अपैरेटस, सो इट इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल्स, ऐसा नहीं है क्योंकि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में गोल्जी अपैरेटस नहीं होते, ओनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है इट इज़ साइट ऑफ रैपिड एटीपी प्रोडक्शन, तो एटीपी प्रोडक्शन में गोल्जी अपैरेटस इन्वॉल्व नहीं होते, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट है इट मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड कंटेन अ कलेक्शन ऑफ लैटेंट मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली कंटेन एंजाइम दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स।
नेक्स्ट है, लाइसोसोम्स आर रिच इन, सो इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. आंसर हो जाएगा इसका सेकंड. हेटरोफेगोसोम्स आर, तो ये लाइसोसोम्स के पार्ट होते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम्स को ही हेटरोफेगोसोम्स बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड. नेक्स्ट है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनली ए इन द डायग्राम. तो ऑर्गेनली जो ए है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. नेक्स्ट है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाईली कॉन्वोलेटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग नोन एज, सो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड्स डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल, तो इनका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ कलर प्रेजेंट होगा. और जो अमाइलोप्लास्ट है इसमें स्टार्च होता है, एलियोप्लास्ट में ऑयल का स्टोरेज, और जो ये है एल्यूरोप्लास्ट इसमें प्रोटीन का स्टोरेज होता है. नेक्स्ट है, एलियोप्लास्ट स्टोर, अभी मैंने बताया आपको फैट स्टोर होंगे इसमें. नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA इज फाउंड इन, सो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA प्रेजेंट होता है, आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड. नेक्स्ट है, द क्लोरोप्लास्ट इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, तो ये थाइलाकॉइड्स में होंगे. नेक्स्ट है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एट राइबोसोम्स में, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. नेक्स्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन, सो इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन. नेक्स्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, स्पिंडल फाइबर, फ्लैजेला, सीलिया या फिर सेंट्रियोल इनमें होते हैं प्रेजेंट. नेक्स्ट है, फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर इन, सो दे डिफर इन माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे 9+0 और 9+2, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है इस चीज़ में डिफर करते हैं ये. नेक्स्ट है, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, सो इट हेल्प्स इन फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम. नेक्स्ट है, द पॉइंट एट विच पॉलीटीन क्रोमोसोम अपीयर टू बी अटैच्ड टुगेदर, सो इट इज़ कॉल्ड क्रोमोसेंटर. नेक्स्ट है, पॉलीटीन क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, तो ये काइरोनोमस में डिस्कवर किया गया था पहली बार. नेक्स्ट है, मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA अकर्स इन, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है. नेक्स्ट है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम आर सीन इन विच टिपिकल स्टेज, सो इट इज़ सीन इन मियोटिक प्रोफेज. नेक्स्ट है, सेंट्रोमेयर इज़ द पार्ट ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं उसी का जो बीच का हिस्सा जो होता है जहाँ से क्रोमेटिड्स अटैच्ड होती है उसको बोला जाता है सेंट्रोमेयर. और सेंट्रोमेयर्स पे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे, उनको बोला जाता है काइनेटोकोर्स. नेक्स्ट है, DNA इज मेनली फाउंड इन, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है DNA. नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ टीलोमेयर्स इन न्यूक्लियस इज, सो इट सील्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि जो सेंट्रोमेयर होता है वो टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर मोर देन 1 and less than 5 इन क्रोमोसोम, सो दीज आर टीलोमेयर. नेक्स्ट है, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, सो दीज आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस. नेक्स्ट है, द सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम इन द डिप्टेरन लार्वा आर यूजफुल इन जीन मैपिंग बिकॉज, क्योंकि इसको स्टेन करना ईजी होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज दीज आर ईजी टू स्टेन. नेक्स्ट है, जेनेटिकली इनएक्टिव एंड हाईली कंडेंस्ड रीजन विद टाइटली पैक्ड DNA इज, तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो इनएक्टिव होगा और उसका जो कंडेंस्ड पार्ट होता है मतलब वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है अगर उसको स्टेन किया जाए, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन. लेकिन जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो एक्टिव होते हैं और लेस कंडेंस्ड होते हैं और बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं, और जब उनकी स्टेनिंग होगी तो वो लाइट कलर शो करेगा. नेक्स्ट है, सम ऑफ द एंजाइम्स विच आर एसोसिएटेड इन कन्वर्टिंग फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन, तो ये होते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स में. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली हैज सिंगल मेम्ब्रेन,
तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और सेल वॉल, ये डबल मेम्ब्रेन है, और जो स्फेरोसोम्स है ये सिंगल मेम्ब्रेन। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, तो फ्लैजला होता है उसी की वजह से बैक्टीरिया मूव कर सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।